तोबा तोबा, ये नन्ही उंगली की कसम, ये बेमार इस यंत्र के साथ पत्थरों में क्या ढूंढ रहे हैं? अरे मुझे क्या पता, तू ही पूछना उनसे। मिल गया। अरे रे, कैसे बिना गेम के? नन्ही उंगली की कसम, देखिए इस बहमा को, देखिए देखिए कैसे पत्थर को नींबू की तरह निचोड़ रहा है। मुझे तो लगता है इसका दिमाग का ना वो हो गया बेड़ा कर। बेड़ा गर्क तो तुम्हारी भैरानी कर रही है इस काल लोक का, तभी तो इनकी हर चाल पे वो बालवीर पानी फेर जाता है। लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे ना तो बालवीर रोक पाएगा और ना ही कोई वीर लोक का दूसरा प्राणी। चलो ये भी अच्छा है, काल लोक के साथ तुम्हारी वफादारी की तो दाद देनी पड़ेगी भैमार। पूरा काल लोक जानता है कि तुम कितने वफादार हो। जितने पैंतरे आजमा सकते हो आजमा लो। ए, मैं इधर क्या कर रहा हूं, मैं भी चलता हूं। जबदाली, नजर रखना इन दोनों के ऊपर, क्योंकि जोश में होश खो देना तो इसकी पुरानी आदत है। जी महारानी। जितने पैतरे आजमाने हैं आजमा लो, लेकिन बालवीर की मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। महाराजा, ये भैरानी का जासूस जबदाली देख रहा है हमें, कहीं आप सच में नाक कटवाने वाले हो क्या? अरे मुंह बंद करके आसमान में क्या ताक रहे हो? धरती के सूरज के उगने का इंतजार कर रहा हूँ। नन्ही उंगली की कसम भैया, तुम कब से सूरज की पूजा करने लगे? पूजा करने के लिए नहीं, सूरज की पहली किरणों की शक्ति चुराने के लिए। सूरज की शक्ति मिलने से पहले कहीं सुनने की शक्ति ना चली जाए। Thank you.
बुरी शक्तियां फिर से कोई बड़ी योजना बना रही है, ये अच्छा असर नहीं है। उस विवान को अब बालवीर तो क्या भगवान भी नहीं बचा पाएगा। बालवीर, मुझे पता चला है कि तिन्नासा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक परम अस्त्र बना रही है। ये एक अस्त्र इतना खतरनाक होगा कि पूरी मानव जाति इससे तबाह की जा सकती है। तो हमें सबसे पहले इस परम अस्त्र को ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा। ये अस्त्र कलोरा यंत्र जैसा नहीं है बालवीर, इसका नाम ही परम अस्त्र है। इसको तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। मेरे पेट पर बॉल क्यों मारी चिंटू? गोपू, मैंने तो गोल के अंदर ही मारी थी। तेरा पेट बीच में आ गया, उसमें मैं क्या करूं? बॉल रोक नहीं सकते तो गोलकीपर क्यों बने हो? डर लग रहा है तो हार मान लो। मेरी पलटन कभी हार नहीं मानती, हार मनवाती है। बापू साइड, मैं गोलकीपर बनता हूँ। ले एक और मौका। भैया, इससे भी ऐसे ही मारना कि गोलकीपर बनना छोड़ दे। सब पीछे हो जाओ। चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया। विवान से पंगा लेना, बहुत भारी पड़ेगा तुमको। चिंटू, एक मौका और ले ले, एक और पेनल्टी। ठीक है भैया, इस बार पूरी ताकत लगा के मारना। चिंटू भैया, चिंटू भैया। इसकी चारों पर्दाफाश, इस पर हो बुद्धिपाश। भैया भागो। भागता कहाँ? चिंटी, ये क्या हो रहा है? हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? भागो भैया भागो। भैया, चिंटू को धमका मत, जैसे उसने आपकी आइसक्रीम बिछ गई ना, वैसे आपको भी बिछका देगा। अच्छा, हाँ अभी सबक सिखाता हूँ इसको। नहीं नहीं भैया, मैं तो बहुत शांत टाइप लड़का हूँ और ना ही किसी को मारता हूँ। So sorry, गलती से लग गई। ये क्या कर रही हो भैया? भैया ये मैंने नहीं मारा। भैया ये मैं नहीं कर रहा, माफ कर दो। भैया सो सॉरी, मैं नहीं मार रहा हूँ। मैं तीन बार माफ करता हूँ, फिर तेरे जैसे कचरे को साफ करता हूँ। छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो। इनके साथ यही होना चाहिए था, टिट फॉर टैट। हाँ यही होना चाहिए था। कल चंटू को दो किक के बदले में कुछ ज्यादा ही पंचेस तो नहीं पड़ गए? इनका फुटबॉल का खेल तो खत्म हो गया, अब आपका खेल कब शुरू होगा महाराजा? जैसे ही विवान अकेला होगा। तय चंडू को थोड़ा लिमिट से ज्यादा ही सबक मिल गया। अरे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नन्ही उंगली को भूल जाओ, वरना फोल खुल जाएगी हमारी। हेलो निरंजन, बालक बालक बालक, रुको रुको बालक। अरे बालक निरंजन, सॉरी मेरे पास चिल्लर पैसे नहीं। बालक निरंजन, अरे हम तो साधु हैं बालक, हमें ना रुपया पैसा चाहिए ना सोना चांदी, हम तो बस तुम्हें देख के रुक गए।
तुम्हारे चेहरे में तेजी इतना है बच्चा। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। हम जानते हैं तुम बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हो। मेरी नन्ही उंगली की तरह मेरे नन्हे मुन्ने बालक, तुम्हारे चेहरे पर बहुत वो है, वो दिव्य चमक। लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि मैं बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ? हमें तो ये भी पता है कि तुम एक बहुत बड़े फिल्मी सितारे के फैन हो, और ये कि तुम्हारा नाम वाक्षर से शुरू होता है। इसलिए हम तुम्हें देख के आशीर्वाद देने रुक गए बच्चा। इसमें क्या है? लेकिन इसमें वो है बेटा, वो हिमालय पर्वत का पवित्र जल जो तुम्हें सूर्य की शक्ति देगा बेटा। इसको सिर्फ छूने भर से तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। फ्री में शक्ति मिल रही है तो ले लेता हूं ना। वैसे भी बड़ों का आशीर्वाद लेना तो अच्छा ही होता है ना। हिमालय का पानी इतना गर्म कैसे? ये कोई साधारण जल नहीं है बच्चा। इसके असर से तुम पृथ्वी पे सूरज की तरह चमकोगे। हेलो निरंजन। हेलो निरंजन। हर साल की तरह इस बार भी आप टॉप ही करोगे दीदी। अरे वन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरा हाथ इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? अरे दीदी, अभी फुटबॉल खेल कर आया हो ना, इसलिए हाथ गर्म होंगे। अभी ठंडा पानी पीता हूँ, ठंडा हो जाता हूँ। इतना गर्म पानी, फ्रिज का पानी इतनी जल्दी गर्म कैसे हो सकता है? एसी ऑन करता हूँ। ये रिमोट इतना हीटर की तरह गर्म क्यों है? ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? ओह नो, कहीं मैंने चिंटू के ऊपर जो बुद्धि पास जादू कर दिया था, ये उसी की सजा तो नहीं मिल रही है मुझे? क्योंकि बार्टर ने बोला था अगर गलत इस्तेमाल करूंगा तो असर उल्टा होगा। ओह नो, बहुत मुस्कुरा रहे हो भैमार। ऐसा कौन सा किला फतेह करके आए हो तुम? चमक तो तुम्हारा भी चेहरा बहुत रहा है। तुमने कौन सा तीर मार लिया तमन्नासा? तीर कमान से खेलना तो बच्चों के काम होते हैं भैमार, तमन्नासा के नहीं। भैरानी, बड़ा ही विचित्र अंतर है नन्ही उंगली कसम, बताइए ना क्या है? तबाही का दूसरा नाम है ये अस्त्र, परम अस्त्र।
परम अस्त्र। यह अकेला अस्त्र कितनी तबाही मचा सकता है इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तारानी, फिर भी थोड़ा विस्तार में समझाइए ना कि आपका ये खतरनाक परम अस्त्र कितने लोगों का एक साथ वो कर सकता है कत्ल। लोग नहीं जगदाली, लोक। फिर लोक? लोक। ये एक अस्त्र पूरा एक लोक खत्म कर सकता है, जैसे कि वीर लोक। वीर लोक। तो हमारे भैराजा भी कोई खिचड़ी नहीं मना रहे थे आज दिन भर। भैराजा बताइए ना आपने क्या क्या किया। तुम वीर लोक को नष्ट करने का हथियार बना रही थी और मैंने खुद विवान को एक हथियार बना दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि विवान के शरीर ने सूरज की पहली किरणों की गर्मी सोख ली है। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर जाएगा वैसे वैसे विवान के शरीर में गर्मी बढ़ती जाएगी और शाम को सूरज डूबते ही विवान का शरीर एक बड़े धमाके के साथ फट जाएगा और उस धमाके में इतनी ऊर्जा होगी कि पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। कितनी बार तो कहती हूं तुमसे और कितनी बार कहूं, तभी तो तुम मुझे इतने पसंद हो बहमार। मैं जब जब सोचती हूँ कि तुम हार मान लोगे तुम तब तब कोई ना कोई नया खेल खेल जाते हो। हैरानी होगी कसम, लेकिन कहीं अगर पालवीर ने फिर से उसे बचा लिया तो विवान को? फिक्र मत करो जब दाली, बालवीर को अगर अपनी पृथ्वी को बचाना है तो उसे विवान को मारना ही होगा। अब देखते हैं बालवीर किसे बचाता है, अपने उत्तराधिकारी को या फिर अपनी प्यारी पृथ्वी को। बुद्धिबाज जादू का गलत इस्तेमाल करने की सजा तो मिल ही रही है नातों को। पार्टनर को जाके सॉरी बोल देता हूँ, उससे पहले कोई नीक काम तो कर दूं। इन कपड़े को आयरन कर देता हूं। मम्मी को आज कम से कम मेरे कपड़े तो आयरन नहीं करने पड़ेंगे। मोनू अब पहनूंगा कैसे, वो भी बिना शर्ट जलाए। क्या करूं? लेकिन बटन कैसे बंद करूंगा और पैंट और जूती कैसे पहनूंगा? ट्राई कर ही लेता हूं। क्या नाटक चल रहा है इतनी देर से? दांत से पकड़ के शर्ट पहन रहा है तू, क्यों? वो मम्मी नाटक नहीं कर रहा हूं मैं, वो दीदी ने मुझे मतलब वो देवरों की दीदी है ना वेदी दीदी, उन्होंने मुझे ट्यूशन में पढ़ा है कि ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, तो मुझे जान लगता है कि हाथ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दांत से इसलिए पहना। जल्दी पहन ले, बस आने वाली। पहन रहो। मम्मी 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 सुनो ना, आप पहना दीजिए ना प्लीज। बोलो नहीं सुनो, इतना बड़ा हो गया है अभी तक खुद से कपड़े पहनने नहीं आते क्या? नहीं नहीं पहन तो सकता हूँ मैं, लेकिन आप पहना दियो ना तो एकदम हीरो
लगता हूँ मैं। अच्छा सुन, आज शाम को जल्दी घर आ जाना, ठीक है? लेकिन क्यों? अरे 5 बजे के बाद ग्रहण लग जाएगा, कहते हैं सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? थैंक यू मम्मी। इसकी गर्माहट तो बढ़ती ही जा रही है, अब कैसे बताओ पॉटर को अपनी गलती के बारे में? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.